कि राजस्थान की सरकार नाचेगी हमारे आगे कि इस जनता ने इतने ज्यादा वोटों से जिनको जिताया, और उसके लिए मुझे सरकार नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ी सी ताकत चाहिए। और जब मैं खिमसर में ये काम करने वाला हूँ, तो आप मान के चले पूरे नागौर जिले के लिए काम करने वाला हूँ, और मैं उस काम को उस तरह से करूंगा कि पूरा राजस्थान उस रास्ते पे चलेगा, ये मैं खिमसर की जनता को, मतदाताओं को गारंटी देता हूं। खिमसर में आज मुझे बहुत बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने पधारे मेरे साथी, मेरे मार्गदर्शक, और खिमसर की जनता का भी आभार करता हूं कि उन्होंने आज हमको जिन उम्मीद भरी आंखों से देखा, उससे कुछ तसल्ली हुई कि सही जगह पर हम लोग आ गए हैं और सही लोगों के बीच में आ गए हैं। आज मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं, ये खिमसर की जनता पहली बार सुनेगी, नागौर की जनता पहली बार सुनेगी, और राजस्थान की जनता भी पहली बार सुनेगी कि किसी चुनाव में इस तरह की बात भी की जा सकती है क्या। अभी तक जहां तक मेरी समझ है, किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी ने, किसी भी प्रत्याशी ने वो बातें नहीं कही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैंने इस पर खूब काम किया। पिछले 20 सालों तक मैंने बहुत सारे विषयों पर काम किया, और उसी के दम पे मैं कह रहा हूं कि खिमसर की जनता मुझ में विश्वास व्यक्त करेगी तो मैं ऐसा काम करने वाला हूं। और जब मैं खिमसर में यह काम करने वाला हूं, तो आप मान के चले पूरे नागौर जिले के लिए काम करने वाला हूं, और मैं उस काम को उस तरह से करूंगा कि पूरा राजस्थान उस रास्ते पे चलेगा, ये मैं खिमसर की जनता को, मतदाताओं को गारंटी देता हूं। और मैं विश्वास से इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे काम पिछले 10 साल से मैं कर रहा हूं। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा जो मेरे बूते की नहीं है, जिसको मैं नहीं समझता। पिछले 10-20 साल से मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई काम अटकता है तो एक ही कारण से अटकता है कि मैं राजस्थान की विधानसभा में नहीं। ये मुझे पिछले 2 साल में महसूस हुआ। अगर मैं विधानसभा का सदस्य होता, ये जो काम मैंने हाथ में ले रखे हैं 10-12 काम, ये काम बहुत तेज गति से हो जाते और अभी तक लोगों को इसका फायदा मिल जाता। कहीं ना कहीं उनकी गति कम है, इसलिए मुझे मैदान में आना पड़ा है। उन कामों के बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि खिमसर में मैं क्या करूंगा। इसका मतलब ही आप ये समझिए कि मैं नागौर जिले के लिए क्या करने वाला हूं और राजस्थान के लिए क्या करने वाला हूं। सबसे पहले तो मेरी इच्छा यह है कि खिमसर के मतदाता मुझे बहुत ज्यादा संख्या में वोट दें, और कम से कम 1 लाख से हमारी यहां से जीत होनी चाहिए, यह मेरी इच्छा है। क्योंकि जिस तरह का मैं काम करने वाला हूं, उसके लिए 1 लाख की जीत चाहिए। सबसे पहला काम जो हम करेंगे खिमसर विधानसभा में, एक विधायक के तौर पे बता रहा हूं आपको, ये नहीं कह रहा हूं हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम ये करेंगे। एक सिंपल विधायक के तौर पर मैं खिमसर में क्या काम करने वाला हूं 1 साल में। सबसे पहला काम जो हमारे यहां अटका हुआ है कायदे में, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि खिमसर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गोचर है, जिस पर अतिक्रमण नहीं है, उस गोचर का सबसे पहले विकास करेंगे, और पहले साल में 10,000 गायों और बछड़ों के चरने के लिए घास की व्यवस्था करेंगे। ये पहला काम करेंगे। मैं जब इस विधानसभा में घूमता हूं तो मुझे कहीं पे भी गोचर दिखाई देती है, उसमें आंकड़े हैं, उसमें अंग्रेजी बबूल हैं, उसमें ऐसी झाड़ियां जो काम नहीं आती है खाने के, तो मुझे यही सूझता है कि ओशिया के रायबरेली वाला गांव में जो हमने प्रोजेक्ट किया,
उस प्रोजेक्ट को खिंसर में किया जाए, चाहे मुंदियाड़ के पास की गोचर हो, चाहे पांचला सिद्धा के पास की गोचर हो, समाज को साथ लेके, आसपास की गौशालाओं को साथ लेके और पंचायत राज विभाग को साथ लेके काम करेंगे। लेकिन उस काम को करने के लिए मुझे सरकार से पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सरकार को कागज लिखूंगा, फिर सरकार पैसे देगी, उसके बाद हम काम करेंगे। मैं कहूंगा मैंने कोशिश तो की, ये काम मैं विधायक कोष से कैसे करना है अच्छे से जानता हूं और सबसे पहले यही काम करूंगा। क्योंकि ये जो फोटो मैंने लगा रखी है मुझे देखनी, इस तरह जो गायें चल रही है, बछड़े चल रहे हैं, मुझे देखने। और आप देखो हमारा अभी कार्यक्रम शुरू हुआ, शुरू होने से जस्ट पहले एक बछड़ा यहाँ राउंड लगा के चला गया। मैं जहां भी जाता हूँ मेरे आगे घूमते हैं, पहला काम हम ये करें। दूसरा काम, मैं खिमसर के सभी मतदाताओं को जिनमें अधिकतर किसान है, ये गारंटी देता हूं कि उनको खेती में एक रुपये का घाटा नहीं होने दूंगा, एक सिंगल रुपये का घाटा नहीं होने। मैं उनसे इसलिए वादा कर रहा हूं कि ये काम मैं पिछले 3-4 साल से कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बीमा कंपनियां और सरकार मेरे कब्जे में इसलिए नहीं आती है। मैं किसान की लड़ाई इसलिए हार जाता हूं कि मैं विधानसभा का सदस्य नहीं, ना मैं कलेक्ट्रेट की मीटिंग में जा सकता हूं, ना मैं जिला परिषद की मीटिंग में बैठ सकता हूं, मैं कहीं से भी उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप किसानों के साथ न्याय करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसानों को गैर वाजिब पैसा दे दीजिए, लेकिन जिसका वाजिब पैसा बनता है, जिसका नुकसान हुआ उसका एक एक पाई मिलने चाहिए। मैं पिछले दिनों इधर बैराथल में आगे के सारे गांवों में घूम रहा था, करणू में सब में घूम रहा था, एक ही बात सामने आ रही थी कि इस बार कपास कम हुई है। कपास जितनी होनी चाहिए थी उसकी 30% हुई है, कपास 30% हुई है, लेकिन उसका भाव भी नीचे चला गया, भाव भी अच्छा नहीं। अब ये जो घाटा है किसान का, इस घाटे को और कौन पूरा करेगा? ठीक है किसान बहुत मजबूत है और ये मान बैठे कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, उनके चुने हुए लोग उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, इसलिए किसान चुप है कि चलो जैसे जैसे कपास को निकालो और यहां पर जीरा लगाओ, सौंफ लगाओ। लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पे मैं उनको गारंटी दूंगा कि अगर आपकी कपास बीमा कंपनी ने 3 क्विंटल मान रखी थी और 2 क्विंटल हुई है, 1 क्विंटल के पैसे मैं उनसे दिलवाऊंगा, ये मैं तरीका जानता हूं, बस मुझे थोड़ी ताकत दीजिए। ये दूसरा काम मैं करूंगा, खिमसर के किसानों को खेती में 1 रुपये का घाटा नहीं होने दूंगा। और जब मैं खिमसर के किसानों को घाटा नहीं होने दूंगा तो ये पूरा नागौर जिला सामने, उधर जोधपुर जिला सामने, सब जगह घाटा होना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब वो प्रक्रिया मैं यहाँ अपनाऊंगा, वो प्रक्रिया वहां भी अपनानी पड़ेगी, यानी नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, कोई भी जिला, किसी भी जिले को खेती में घाटा नहीं होगा, ऐसी मैं यहाँ पर व्यवस्था कर दूंगा। तीसरी बात, मैं खिमसर के किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलवाऊंगा। उचित दाम मैं कैसे दिलाऊंगा? मैं राजस्थान की कृषि मंडी का जो नियम बना हुआ 1961 का अधिनियम, उसको लागू करवाऊंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 3 साल से मैं बात बराबर कह जा रहा हूं कि ये मंडी में जो 1, 2, 3 करके भाव लगता है, भाव गलत है, ये नहीं लगना चाहिए। भाव लगना चाहिए क्वालिटी से, ये नियम में लिखा हुआ। जैसे कपास का भाव लगता है इतने फेट का, इतने रुपया, इतने फेट का, इतने रुपया, हर फसल का भाव ऐसे लगना चाहिए। और हम 3 साल से प्रयास कर रहे हैं, मैं कागज लिख रहा हूँ, प्रमुख शासन सचिव को कागज लिख रहा हूँ कि इस प्रथा को बंद करो। हम 1961 से अब तक 2023 आ गई, अभी भी हाथ में लेके गोली लगा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। किसान को 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का घाटा हो रहा है 1 क्विंटल। तो मैं अभी कामयाब हो गया हूं, थोड़ा सा कामयाब हुआ हूं कि अब से कम 15 दिन पहले पहली बार मेरे प्रयास रंग लाए, जब यह तय हुआ कि अब मेड़ता और नागौर की मंडी में यह शुरुआत होगी जहां पर 1, 2, 3 की बोली बंद करेंगे, यह शुरुआत हुई है। लेकिन मैं सोच रहा हूं अगर मैं विधायक होता तो आज की तारीख में ये सारी जो मंडियां चल रही है, सारी मंडियों में मैं तुरंत इस काम को लागू करवा देता। एक विधायक का मतलब क्या होता है? एक विधायक का मतलब होता है कानून बनाना, विधेयक बनाना, कानून बनाना जनता के हित में, और कानून बनने के बाद उनको लागू करवाना कि भाई हमने जो कानून बनाया था वो लागू हो रहा कि नहीं हो रहा। जब 1961 में राजस्थान की विधानसभा ने कानून बना दिया, हर साल हम जिन लोगों को 200 लोगों को चुनते हैं, कर क्या रहे हैं, वो कानून लागू क्यों नहीं हो रहा? ऐसे सारे कानून जो धूल में पड़े, उन सारे कानूनों को उठा उठा के मैं लागू करवाऊंगा
और उसके लिए मुझे सरकार नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ी सी ताकत चाहिए। और वो थोड़ी सी ताकत आने के बाद में मैं जब क्यूसर में संभव करूंगा तो पास का नागौर है वो भी कहेगा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, मेड़ता में कहेंगे यहाँ भी होना चाहिए, फिर हर जगह इस बात की डिमांड उठेगी कि जो क्यूसर में काम हो रहा हो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो तीन काम मैंने आपको बताए अभी तक। पहला काम बछड़ों की व्यवस्था करेंगे, ये सबसे पहले बात करेंगे, अच्छे से करेंगे। दूसरा, खेती में घाटा नहीं होने देंगे। तीसरा, फसल का वाजिब दाम दिलाएंगे। चौथा काम, मैं इधर जब घूम रहा था खिमसर के गांव में आसपास पांचला सीता वगैरह में, तो पुरुष लोग तो बात नहीं करते, महिलाएं बात करती। महिलाएं दो तीन बातें करती है, एक तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और दूसरा डेयरी की व्यवस्था नहीं, हम दूध ठीक से बेच पाए ऐसी व्यवस्था नहीं। अब नागौर में एक डेयरी कहने को है, डेयरी का संगठन बना हुआ, वहां अधिकारी उसको चलाते हैं, पता नहीं कैसे चलाते हैं। अभी तक किसी भी चुने हुए व्यक्ति ने उनको नहीं पूछा जाके कि डेयरी का सिस्टम क्या है, कैसे चल रहा है। बनाया तो इसलिए था सरकार की व्यवस्था, किसानों को, पशुपालकों को अच्छा पैसा मिले, वो पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है किसी ने नहीं पूछा। मैं पहली बार उस नागौर की डेयरी को खिमसर के गांव गांव में उतार दूंगा, और गांव गांव में आपको लगेगा नागौर डेयरी जो है वो अमूल डेयरी की तरह चमकने लगी है। और जब खिमसर में उतार दूंगा तो नागौर के बाकी जो तहसीलें हैं, बाकी जो डिविजन है, वहां पर भी डेयरी ठीक से काम करेगी। ये मैं अगला काम करूंगा। पांचवा काम, आपको ऐसे लगता होगा खिमसर में तो सारे मजे ही मजे हैं, ऐसा एक इंप्रेशन चलता है। मैं जब इधर जाता हूं गांव में तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी नहीं है पीने का। पानी पीने का इसलिए नहीं है, कि पानी वहां कम बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। पानी तो वहां से आ रहा है, पानी तो सतलज नदी का खूब आ रहा है, और इतना ज्यादा आ रहा है कि कई बार हमको पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ता है। इसलिए छोड़ना पड़ता है कि हमारे पास में पाइपलाइन ठीक नहीं है, हमारी टंकियां ठीक नहीं है, हमारा सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ा गया। और यह सिस्टम सबसे ज्यादा खिमसर में गड़बड़ा गया, और किसी ने आज तक इसको मॉनिटर नहीं किया। मैं जब उन अधिकारियों से पूछता हूं क्या हुआ, पानी क्यों नहीं आता 15 दिन में, 1 महीने में, कोई कह रहा मोटर खराब है, कोई कह रहा पाइप लीक हो रहा है, करना क्या इसका, इसके टेंडर करने हैं। आपने किया, हाँ किया, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। ऊपर से जवाब लेने का काम जब मैं ये करूंगा, उसके बाद में खिमसर के हर गांव में, ढाणी में पीने का पानी एकदम नॉर्मल आने लगेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं। लेकिन प्राथमिकता चाहिए, आदमी की प्राथमिकता चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगला काम जो मैं खिमसर विधानसभा के लिए करना चाहता हूं, वो बच्चियों की शिक्षा के लिए करना चाहता हूं। आपको जानकर हैरानी होगी, पास में जोधपुर है, इधर नागौर है, पीछे मेड़ता है, ये खिमसर, लोहावट, ओशिया, ये जो एरिया है, यहाँ बच्चियों की शिक्षा की सबसे बुरी हालत है, सबसे बुरा हाल है यहाँ पे, और ऊंची शिक्षा तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। मैं एक ऐसी योजना लेकर खिमसर में काम करूंगा जिससे खिमसर में जितनी भी बच्चियां 12वीं क्लास पास है, गांव में 12वीं तक स्कूल है, 12वीं पास हो जाती है, 12वीं क्लास जितनी भी बच्चियां हैं वो आगे अपने सपने पूरे कर सके, कॉलेज तक की पढ़ाई अपने गांव में रहकर पूरी कर सके, इसकी मैं जोरदार व्यवस्था करूंगा, अपने दम पे करूंगा। मुझे सरकार नहीं चाहिए, और बच्चियों के सपनों को पूरा करने के लिए मैं जोरदार व्यवस्था तैयार कर चुका हूं। कोई भी मतदाता मेरे साथ बैठ के उस पर डिस्कस कर सकता है, लेकिन जब ये सब लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य मान लेंगे और मेरे में विश्वास पैदा करेंगे, उसके बाद में ये काम मैं बहुत ढंग से करने वाला हूं। खिमसर के युवाओं के लिए मैं विशेष रूप से दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो मैं खिमसर की जो कॉलेज है, चाहे खिमसर में खुली है, चाहे कुजेरा में खुली है, खोल खोल के लोग राजी हो रहे, हमने कॉलेज खोल दिया, लेकिन कहीं भी क्लास नहीं लग रही, कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं हो रही। अगला काम मैं यही करूंगा कि अभिभावकों को साथ लेके, बच्चों को साथ लेके, प्रिंसिपल्स को साथ लेके, सबको साथ में लेके ऐसा माहौल बनाऊंगा कि खिमसर की कॉलेज में भी पढ़ाई होना शुरू हो जाए, कुजेरा की कॉलेज में पढ़ाई होना शुरू हो जाए, सब जगह पढ़ाई शुरू हो जाए, नागौर की कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाए। और ये जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो हमारे जितने भी अभिभावक हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं पढ़ना चाहते हैं, उनको पैसा देकर, एक्स्ट्रा पैसा देकर ना तो जोधपुर भेजना पड़ेगा और ना उनको जयपुर भेजना पड़ेगा। बच्चे अपने घर पे रहेंगे, यहाँ से कॉलेज में जाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे और वापस अपने घर पर आएंगे और अच्छी अच्छी नौकरियों में जाएंगे। ये मैं इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि ये काम मैंने खूब किया, मैं जानता हूँ ये काम कैसे होगा, मैं इस काम को करना चाहता हूँ और मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। जितने भी युवा बेरोजगार समझते अपने आप को, हम गांव में बैठे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हम भी 2 करोड़ रुपए का भट्टा खोल सकते हैं, हम भी 2 करोड़ रुपए की
की कपास की फैक्ट्री खोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। मैं वो व्यक्ति हूं जो जानता हूं ये पैसा कहां से आएगा। मुझे उन योजनाओं के बारे में पता है कि वो पैसा आराम से आ सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी गांव में रह रहा है, युवा है और वो काम करना चाहता है, तो ऐसी ऐसी योजनाएं जिसके माध्यम से बिना घर से एक रुपया खर्च किए वो अपनी योजनाओं को लागू कर सकते हैं। मैं वो काम करूंगा। और मेरा सपना है कि खिमसर के गांव गांव में एक एक दो दो फैक्ट्रियां, छोटे छोटे उद्योग धंधे खुले और खिमसर के युवा उन धंधों में चलाए, ऐसा मैं करना चाहता हूं। मैं बार बार चुनौती दे रहा हूं उन लोगों को कि जो कह दें कि ये आदमी हवा में बातें कर रहा है, एक विधायक ये काम नहीं कर सकता। मैं उनको चुनौती देता हूं कि आप कभी भी खिमसर के बाजार में टेंट लगा लीजिए, आ जाइए मेरे साथ बेस कर लीजिए, मैं आपको शुद्ध करके बता दूंगा कि एक विधायक चाहे तो ये काम कितना ढंग से कर सकता है जो मैं करना चाहता हूं। दोस्तों, जब खिमसर और नागौर के आसपास आता हूं तो बहुत दुख होता है। बहुत सारे हमारे युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और वो नशा सिंपल नहीं है, शराब का नशा या डोले का नशा नहीं है, अलग तरह का नशा है जिसकी चपेट में वो लोग आ गए। अब एक तरीका तो ये है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, या पुलिस वाले कुछ लोगों को पकड़ते रहे जो नशे का व्यापार करते हैं उनको पकड़ते रहे, क्योंकि नशा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि जिनके बच्चे नशा कर रहे हैं उनके माता पिता को पता है हमारे साथ क्या हुआ, जिन महिलाओं के पति ये नशा कर रहे हैं उन महिलाओं को पता है हमारी जिंदगी कैसी हो गई। मैंने पूरी योजना बनाई है, मुझे इन बच्चों से कोई शिकायत नहीं है, मुझे केवल शिकायत इससे कि हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मैंने एक विधायक के तौर पे पूरी योजना बनाई है। इस क्षेत्र में जितने भी बसे नशे की गिरफ्त में आ गए हैं उन सब बच्चों का सिलेक्शन करना, उन सब बच्चों का इलाज करवाना और इलाज कराने के बाद उनको समाज की मुख्य धारा में स्थापित करना, ये मेरे लक्ष्य में से एक लक्ष्य रहेगा। मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ विधायक के तौर पे। एक विधायक की जिम्मेदारी होती है, वो संरक्षक होता है पूरी विधानसभा का, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सरकार को सबको साथ में बिठाना होता है, काम करना होता है। विधायक खाली ये जहां से जीत के और मुख्य अतिथि बनने के लिए नहीं होता, ये काम मैं अच्छे ढंग से करूंगा। मैं पुलिस में बहुत सारे सुधार करना चाहता हूं जो मैं कर नहीं पा रहा हूं अभी तक। मैं पुलिस का जो कानून है 2007 का उसको लागू करना चाहता हूं, अभी तक मैं लागू करवा नहीं पा रहा हूं। मैंने खूब कार्रवाई की इसके बारे में, कोई भी आदमी मुझसे पूछ सकता है कि अभी तक आपने किया क्या। मैंने किया लेकिन पार नहीं पड़ा। 2007 के कानून में स्पष्ट लिखा है कि पुलिस और जनता के बीच में दूरी कम होनी चाहिए, नेताओं को फोन नहीं चलना चाहिए थाने में नेताओं को फोन नहीं चलने चाहिए, ऐसा लिखा है उस कानून के अंदर। और पुलिस वालों का ट्रांसफर 2 साल पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है, ताकि वो डरे नहीं, आराम से किसका फोन सुने। मैं ये काम करवा नहीं पाया हूं। मैं अगर चुना गया, जैसा आप मुझे पूरी उम्मीद हो गई खिमसर की जनता मेरा साथ देगी, उसके बाद में इस पुलिस कानून को लागू कराऊंगा और पूरे राजस्थान के पुलिस वालों को गारंटी देता हूं, एक विधायक के तौर पर गारंटी देता हूं कि मैं आपका ट्रांसफर 2 साल से पहले नहीं होने दूंगा। वो इसलिए नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कानून में लिखा है और एक विधायक का फर्ज बनता है उस कानून को लागू करवाना। आप कैसे उसका ट्रांसफर 2 साल पहले कर सकते हैं? मैं लड़ूंगा उन लोगों के लिए, वो लड़ नहीं पा रहे हैं। 6 महीना यहाँ पे, 8 महीना यहाँ पे अपने बोरी बिस्तर लेके चलते रहते हैं, अपने बच्चों को एक जगह रखते हैं, पता नहीं कोई कब ट्रांसफर कर दे। मैं एक विधायक के तौर पर पूरे राजस्थान की पुलिस को गारंटी इसलिए दूंगा क्योंकि कानून बना हुआ है। मैं यूं नहीं कर रहा हूं, लड़क पंची कर रहा हूं और गारंटी दे रहा हूं, कानून बना हुआ, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और एक विधायक के तौर पर मैं वो फर्ज बहुत अच्छे ढंग से निभाऊंगा, ये काम भी मैं करूंगा। एक खिमसर का विधायक इतना बड़ा काम कर देगा कि राजस्थान के किसी भी पुलिस वाले का ट्रांसफर 2 साल पहले नहीं हो सकता, इतना बड़ा काम आप सोच सकते हैं, संभव हो तो कैसा लगेगा। मैं खिमसर की जनता का मान सम्मान ऑफिसों में बढ़े इसकी व्यवस्था करूंगा। कोई भी गांव का व्यक्ति ऑफिस में जाएगा उसके साथ बहुत ढंग से बात होगी। और मैं इसके लिए ये नहीं करूंगा कि मैं अधिकारियों को डांटूंगा या उनको फोन करके धमकाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा। मैं उन अधिकारियों को समझाऊंगा और जनता के नजदीक लाऊंगा। और बहुत सारे अधिकारी हैं जो जनता का मान सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे अधिकारी आज की तारीख में खिमसर में लगते नहीं है, वो बसते हैं खिमसर से, पता नहीं उनके दिमाग में आ गया कि मैं तो खिमसर नहीं जाना है। तो जितने अच्छे अधिकारी हैं उनको मैं गारंटी दूंगा कि आप अपने जीवन में जो अच्छा काम करना चाहते हैं आइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जनता आप और हम मिलके, और खिमसर के लोगों के मन में जो खौफ है ऑफिस को लेके ऑफिस में कैसे जाए वो काम मैं सरल करूंगा, ये मैंने पक्का सोच रखा मैं करूंगा। मैं पिछले दिनों कुछ किसानों से ऐसे बात कर रहा था, कल मैं धारणावास में बैठा था बात कर रहा था, और जब मैंने उनको बिजली विभाग का एक नियम बताया तो हंसने लगे कि ऐसा नियम है क्या। दोस्तों, बिजली विभाग का एक नियम है कि किसी किसान के खेत में अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो उसको सूचना देनी है लाइन मैन को, इतनी सी बात है,
उसको लाइनमैन को फोन करके बोलना कि मेरा ट्रांसफॉर्मर जल गया है। अब लाइनमैन अपने जेईएन को बोलेगा, जेईएन अपने एईएन को बोलेगा। एईएन की जिम्मेदारी है कि वो किसान के खेत पर ट्रांसफॉर्मर दूसरा पहुंचाए, आगे वाला उतारे दूसरा पहुंचाए, और उनको बोले और कोई काम हो तो मुझे बताना। ये ड्यूटी होती है एईएन की, और ये सारा काम उसको 72 घंटे में करना है। 72 घंटे में करना, किसान को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए, राजस्थान में 200 MLA जीते हुए, इसके बावजूद भी इस नियम की धज्जियां उड़ती है। लोग 72 घंटे के बजाय कितने दिन बाद ट्रांसफॉर्मर लाते हैं, खुद निकालते हैं, उतारते हैं, ट्रॉली में डालते हैं, ले जाते हैं, और ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा और देकर आते हैं। मैं इस सारी व्यवस्था को क्यों सर से खत्म कर दूंगा, और पूरे राजस्थान से भी खत्म कर दूंगा। मैं इसलिए कर दूंगा क्योंकि मैं अड़ूंगा कि यह नियम बना हुआ, इस नियम का पालन करना पड़ेगा। और एक जब विधायक, एक सांसद जब नियम के लिए अड़ता है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहीं भी विधानसभा के सामने जाके बैठ सकता है कि फिर इस नियम का, इस योजना का मतलब क्या है, जब 72 घंटे के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मर नहीं मिल रहा है, और वो भी बिना पैसे दिए, और ये बिजली विभाग खुद ले जाए। ऐसी व्यवस्था करूंगा। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा था, मैं क्यों सर से जो भी काम करूंगा उसका असर पूरे नागौर जिले पे पड़ेगा, पूरे राजस्थान पे पड़ेगा, क्योंकि खिमसर का जो काम होगा वो काम नागौर में हर जगह असर डालेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, खिमसर में 2-3 अस्पताल है, और इन अस्पतालों की जितनी बुरी हालत है नागौर जिले के और किसी तहसील में नहीं। मेरदार अस्पताल ठीक ठाक चल रहा है, डेगाना का अस्पताल ठीक ठाक चल रहा है, डीडवाना का, कुचावन का ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हम यहाँ खिमसर में बैठे हैं। यहाँ का अस्पताल जो नागौर और जोधपुर के बीच में मेन हाईवे पर है, जिसको बहुत शानदार होना चाहिए था, उस अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, उस अस्पताल में किसी तरह का इलाज नहीं होता, केवल बुखार का, पेट दर्द का इलाज होता है। यहाँ विशेषज्ञ आना ही नहीं चाहते, ना यहाँ आना चाहते हैं, ना कुचेरा में आना चाहते हैं। कुचेरा की भी स्थिति बड़ा खराब हो रखी है, कुचेरा भी हमारे खिमसर विधानसभा क्षेत्र में आता है। दोनों जगह डॉक्टर नहीं है। नहीं आने का एकमात्र कारण है वो आना नहीं चाहते, यहाँ का वातावरण इतना खराब है। मैं अच्छे अच्छे डॉक्टरों को, राजस्थान के अच्छे अच्छे डॉक्टरों को खिमसर में, और ये अपना मुंडवा में, कुचेरा में, सब जगह लेकर आऊंगा, और इन लोगों को कभी भी इलाज के लिए ना जोधपुर जाना पड़ेगा, ना यहाँ से नागौर जाना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था करता हूं। दोस्तों, खूब सारे सपने हैं जिनको मैं हमेशा आपके सामने कहता रहता हूं। मुझे ये करना है, मुझे किसानों के लिए करना है, मुझे युवाओं के लिए करना है, मुझे ट्रक ड्राइवरों के लिए करना है। वो बात भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मेरी आत्मा दुख पाती है जब मैं देखता हूँ ट्रक ड्राइवरों को हर जगह आरटीओ वाले रोक के, पुलिस वाले रोक के, उनके साथ में उनकी बेइज्जती भी कर देते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं। लेकिन राजस्थान का कोई मायकालाल एमएलए अभी तक ऐसा हुआ नहीं जो ये बात उठाए, जो ये बात उठाए। और मैं बराबर लिख रहा हूँ, मैं कागज लिख रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं ये बातें कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं चुना जाऊंगा उसके बाद ये काम करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे काम अटक रहे हैं, मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने राजस्थान के परिवहन आयुक्त को, राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव को कितनी बार लिखा, कितनी बार लेटर लिखे, मेरे पास सारे लेटर पड़े हैं कि आप इनके लिए एक दो सुविधा करो, ये रोड पे सोएंगे कहाँ पे, बैठेंगे कहाँ पे, आराम कहाँ करेंगे, इनकी कोई सुविधा नहीं है, इतना भारी हमारे समाज के लिए काम करते हैं, और दूसरी बात इनकी बेइज्जती जो हो रही है वो रोको, और फिर इनको सुरक्षा दो, इनको सुरक्षा दो। ये बाहर से आते हैं, 1000-1000 किलोमीटर दूर अपने परिवार से जाते हैं, कहीं भी किसी आदमी ने गलती से मोटरसाइकिल इनके अड़ा दी तो सारे लोग इनको घेर के ठोकने लग जाते हैं। अकेला ड्राइवर बेचारा बाहर का ड्राइवर है, उसके साथ में इस तरह की बेइज्जती करते हैं, उनके साथ में इस तरह की मारपीट करते हैं। मैं विधायक के तौर पे इस मामले को बहुत बड़े स्तर में उठाऊंगा, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों का कोई नेता वेता नहीं है, इनकी कोई यूनियन नहीं, इनके लिए कोई नहीं बोलता, लेकिन बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। पिछले कई काफी टाइम से मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ, इनकी बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं अटक रहा हूँ। मैं अटक इसलिए रहा हूँ कि राजस्थान का परिवहन आयुक्त मेरे कागज का जवाब नहीं देता। वो ये सोचता कि ये तो विधायक तो है नहीं, मुझे जवाब देने की मजबूरी तो है नहीं, तो मुझे बार बार सूचना के अधिकार का प्रयोग लेके और उन चीजों को लाना पड़ रहा है कि यार क्या हुआ इसका, क्या हुआ इसका, मुझे उसका प्रयोग करना पड़ रहा है। मुझे लगा कि नहीं, विधायक होना बहुत जरूरी है अगर मुझे मेरे मिशन को पूरा करना है। आपको जानकर हैरानी यह भी होगी कि हमारे जोधपुर में एक जगह है जिसका नाम है खेजड़ली। हम लोगों का पहला वो प्रोजेक्ट है खेजड़ली, जिसको हम यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करना चाहते हैं, ताकि दुनिया आकर देखे यहाँ पर कि एक ऐसी जगह भी है हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया में, जहां पर लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया। आप आज हम 2015 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जोधपुर के कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रहे हैं, वहां से हम लोग रोड शो करते हैं, खेजड़ली तक जाते हैं, कलेक्टर को लेटर देते हैं, वन विभाग को लेटर देते हैं, सबको लेटर देते हैं, हमारी इस बात को मान लो। वो लेटर कभी पुरातत्व विभाग में जाता है, कभी कहीं जाता है, धक्के खाता है, हमारे को अभी तक ठीक सा जवाब नहीं मिला। तब
मुझे पीड़ा हुई कि मैं अगर राजस्थान का विधायक होता और इसकी छाती पे जाकर बैठ जाता तो साइड में इसे कागज लिखवा लेता कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में नाम लिखना है। मुझे पिछले 2 साल में ये सारी चीजें महसूस हुई है। मुझे कई बार पहले लोग कहते थे कि आप विधायक बन जाओ, कुछ कर सकते हो। मैं हंस देता था उनको, मैं कहता था विधायक बनने के काम के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मेरा मिशन बहुत बड़ा है, उनको कहता था। लेकिन मुझे लग रहा 2 साल पहले जो मेरे शुभचिंतक कहते थे वो बात सही थी कि विधायक बनना जरूरी है अगर ये मिशन मैं पूरे करना चाहता हूँ। अब मैं आ गया हूँ, बहुत सोच समझ के मैदान में आ गया हूँ और मेरे यही काम है। मेरे को और दूसरी बातें भी नहीं आती। मुझे तो ना तो कोई दूसरे पे आरोप लगाना आता है, ना मुझे किसी की निंदा करनी आती है। मुझे तो यही आता है मैं ये काम कर सकता हूँ। इसलिए मैं खिमसर की जनता से काम मांग रहा हूँ। मैं खिमसर की जनता से जीत नहीं मांग रहा हूँ, मैं खिमसर की जनता से काम मांग रहा हूँ कि मुझे काम पे लगाए। और ये जो 50,000 परिवार, इनकी देखभाल मैं करके बता दूं कि एक अगर सही प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, तो उस एरिया का वो किस तरह से ध्यान रख सकता है, किस तरह से विकास कर सकता है। मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं इस चुनाव के अंदर उतरा। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आपने खिमसर को क्यों चुना इसके लिए। मैंने बड़े सरल शब्दों में उनको बताया कि मैं मेड़ता तहसील का निवासी हूँ। मेड़ता तहसील में 2 विधानसभाएं लगती है, एक मेड़ता लगती है, खिमसर लगती है, 8 पंचायतें इधर लगती है। अब नेचुरल है कि मैं कौन सी सीट से चुनाव लड़ूं। मेड़ता तो रिजर्व सीट है, मैं लड़ नहीं सकता वहां से। तो मेरे लिए नेचुरल चॉइस थी कि मेरे जो पड़ोस में सीट है वहां से मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मैं यहां पर आ गया चुनाव लड़ने के लिए। और फिर जब मैं यहां घूम रहा हूं तो मुझे लगा कि सबसे ज्यादा अव्यवस्था, सबसे ज्यादा विकास की कमी अगर नागौर जिले में किसी विधानसभा में है तो खिमसर में। इसलिए मुझे यहां पर आना पड़ा, यहां से चुनाव लड़ने की बात सोचनी पड़ी। आप लोग आज आए हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं, आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया है। और खिमसर की जनता ने अपनी आंखों से बताया मुझे, 3-4 दिन से उनकी आंखों से मुझे लग रहा है कि वो जो चाहते हैं, वो चाहते हैं, मुझे समझ में आ रहा है वो क्या चाहते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं सही जगह पर आ गया हूँ, ये लोग मेरा सपोर्ट करने वाले हैं और गांव-गांव में लहर चलने वाली है। और मैंने ये तय कर रखा कि इस सीट को राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीतना है, ये तय कर रखा है। 2,000-3,000 से नहीं जीतना है, इसको सबसे ज्यादा वोटों से जीतना है, ये टारगेट हमने ले रखा है और उस टारगेट को हम जल्दी पूरा कर लेंगे। ऐसा मुझे मेरे साथियों पर और खिमसर की समझदार जनता पर विश्वास है कि ऐसा हो जाएगा। और मैं उनको गारंटी दूंगा, जब मैं 7-8 तारीख से मैदान में निकलूंगा तो मैं स्टाम्प पर लिखकर साइन करके दूंगा कि ये काम मैं आपको करके दूंगा, ऐसे करके दूंगा, इतने टाइम में करके दूंगा, ऐसा लिख के मुझे दूंगा। इतनी मेरी हिम्मत इसलिए लिखने की क्योंकि मैं जानता हूँ वो काम आराम से कराए जा सकते हैं, मैं काम करने का रास्ता जानता हूँ। अगर मैं आपको गारंटी दूं कि मैं कार को यहां से जोधपुर ले जाऊंगा, इसका मतलब यह कि मैं कार चलाना जानता हूं। तो मैं जब कार चलाना जानता हूं तो मुझे स्टीयरिंग पे बैठना, जोधपुर कार पहुंच जाएगी, ये मैं जानता हूं, इसलिए मैं स्टाम्प पर लिख के दूंगा। और कोई, हरेक कोई आदमी स्टाम्प पर नहीं दे सकता, वो झूठ बोल सकता है, झूठे वादे कर सकता है, झुठला सकता है, समाज को बांट सकता है, भरमा सकता है, लेकिन इस तरह की लोक नीति की बातें वो कभी भी नहीं कर सकता। मैं इसलिए कर रहा हूं। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना रहेगी कि मुझे समर्थन करें और मेरा सहयोग करें। जिसको भी जानते हैं यहाँ पर खिमसर विधानसभा में, जिसको भी आप जानते हैं, उसके पास जाइए और मेरी तरफ से उसको गारंटी दीजिए और उनको कहिए वो हमारे लिए वोट करें, हमको जितवाएं, ऐसी आप मदद करें। मैं अकेला ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला ये काम नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी बनती है और आप अगले को ठोक के कह सकते हैं, बजा के कह सकते हैं। बात यह है कि देखिए हम ये काम करने वाले हैं, इस आदमी के लिए मैं इसलिए कहने के लिए आया हूँ, इसलिए नहीं आया, मेरा खास आदमी है, मैं इसलिए आया हूँ, ये आदमी कुछ काम करेगा, इसके लिए मैं आपके पास में आया हूँ। ऐसा खिमसर के गाँव गाँव में जाके आप लोगों को समझा के एक लहर पैदा करेंगे। देखिए हमें किसी को हराना वराना नहीं, हमारा कोई टारगेट नहीं किसी को हराने का, हमारा एक ही टारगेट है, खिमसर की जनता को जिताना है, नागौर की जनता को जिताना है और राजस्थान की जनता को जिताना है, उनका राज लाना है, उनका फोन चलना चाहिए, हमारा टारगेट है, उनका फोन चलना चाहिए। हमें किसी मुझे मेरा फोन नहीं चलाना है, मुझे जनता का फोन चलवाना है। जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं, लिखाना सिखाते हैं, वो कुछ गलत लिखता है तो अपन पास जाके कहते हैं इसको कह को ऐसे लिखो, कह को ऐसे लिखो। मैं जनता को पूरी ट्रेनिंग दूंगा, उनका फोन चले, वो चाहे जब जिस अधिकारी से बात करें और अपना काम अपने दम पे करवा सके, ताकि अगली पीढ़ी को इन नेताओं की, इन बिचौलियों की, इन दलालों की जरूरत ही ना पड़े। और जो महात्मा गांधी ने सोचा था, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा था, जो सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने सोचा था, वो स्थिति पैदा हो जाए। इतना बड़ा काम हम खिमसर से करके दिखा देंगे और उसमें 1 साल का समय लगेगा दोस्तों।
मैं ये नहीं कहूंगा कि पांच साल तो राम राम सा करने में निकल गए और फिर अगले पांच साल आएंगे नहीं, पांच साल में क्या कर सकते हैं, और पांच साल समय दो, नहीं, एक साल में खिमसर की जनता को उनके खुद का राज का एहसास करा देंगे, विकास क्या होता है वो उनको दिखा देंगे। ऐसा करने का मैं आप सबके सामने वादा कर रहा हूँ और खुली आंखों से वादा कर रहा हूँ और सोच समझ के वादा कर रहा हूँ। आज शाम से आप लोग इस मिशन खिमसर पर लग जाएं और खिमसर के गांव गांव में जहां भी आप जिसको भी जानते हैं उसको जाकर कहिए कि अभिनव राजस्थान पार्टी को वोट दे और मुझे वोट दे ताकि हम लोग इस क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया क्लासिकल काम कर सकें जिसकी हिंदुस्तान में मिसाल दी जाएगी कि खिमसर में इस तरह से भी काम चलता है। आप लोग आज आए हमारे साथ रहे, मेरा तो बहुत जोश बना है आप लोगों ने, आज आपका जोश देख के मैं तो बहुत खुश हूँ। सामने रखा है, लोगों को अभी मजाक लगेगा शुरुआत में, लोगों को मजाक लगेगा यार ऐसे कैसे कह रहे हैं 1,00,000 वोटर जीतेंगे, जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको कह रहा हूं बहुत भारी मतों से जीतेंगे और उस जीत का नैतिक समर्थन हमको इतना होगा कि राजस्थान की सरकार नाचेगी हमारे आगे कि इस जनता ने इतने ज्यादा वोटों से जिनको जिताया उनका काम करना पड़ेगा, मुझे और क्या करवाना उनसे, मुझे कौन से मेरे घर के काम कराने, मुझे कौन सा यहाँ पे कोई प्लॉट लेना है, मुझे तो जनता के काम करवाने और काम मैं बहुत ढंग से उनसे करवा के रहूंगा, ऐसा सोच के मैं मैदान में आया हूँ। अगले 20 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिस जोश से आप आज मेरे साथ रहे उसी जोश से रहें और मेरा साथ देते रहें, जिस तरह से तन से मन से और धन से भी साथ दें, हमारे पास खर्चा नहीं है चुनाव लड़ने का, आप खर्चा भी दें चुनाव लड़ने का, पैसे नहीं है दूसरों के साथ, दूसरों को आप देखोगे यहाँ पर तो इतनी ज्यादा गाड़ियां इतना ज्यादा पैसा दिखेगा, हमारे पास नहीं है, हमारा वो सहयोग भी आप करें, थोड़ा वो सहयोग करेंगे तो हमारा प्रचार, हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनती है लेकिन हमको थोड़ा सा धन का सहयोग भी चाहिए, आप सब मिलकर थोड़ा थोड़ा जितना आपसे हो सकता है उतना हमारे को सहयोग करना ताकि प्रचार में कोई कमी न रहे, कल को कोई ये ना कह जाएगा आपका प्रचार कम रहा, जैसे आज आप लोग नामांकन में चले गाड़ियों की कतार लगी लाने, लोगों को लगता है नहीं दम है इन लोगों के अंदर, ये कौन सा मैंने पैसे दिए, आज आप लोग जो आए हो अपने घर का तेल भरा के आए हो, बाकी मैंने अभी कभी मुझे कोई रास्ते में सुना रहा था कि फलान जी का नामांकन था और तीन तीन गाड़ियां भी भेजी है, तेल के पैसे भी भेजे और खर्चा भी भेजा नामांकन में आओ, ऐसी स्थिति है, कई लोग जिमा रहे हैं, मैं तो आपको जिमाने की स्थिति में बड़ी मुश्किल से आपको चाय पिलाई है, तो आप लोग अपने खर्चे में मेरे साथ आए हो, आगे के दिनों में प्रचार कमजोर ना पड़े इसके लिए आप मेरे को तन से सेव करिए, दो दो दिन दीजिए, तीन दिन दीजिए, मन तो आपका वैसे भी हो गया और धन से भी सेव करिए ताकि हमारा प्रचार कहीं कम ना दिखे, कहीं हमारी झंडियां कम नहीं दिखे, हमारी गाड़ियां कम नहीं दिखे, वो स्थिति कभी भी नहीं आए, क्योंकि कई बार ये भी जरूरी होता है जो दिखता वो बिकता है, दिखना भी चाहिए, आपकी बात कितनी भी अच्छी है लेकिन वो दिखाई भी देनी चाहिए लोगों के सामने, इनके प्रचार में कोई कमी नहीं है, ये सहयोग भी आप मुझे करिएगा, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ, आप सब लोगों के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है कितना सम्मान है मैं व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग आए, आप लोगों ने आज ऐसी स्थिति पैदा की, पहले ही दिन नामांकन के दिन ऐसी स्थिति पैदा की कि अब कल से लोग विचार करने लगेंगे कि यहाँ क्या खेल होने वाला है और वो खेल उनके हक में होने वाला है, ये लोग जो मुझे आज नमस्ते कर रहे थे उनकी आंखों में लग रहा था कि आज ये हमारा राज लेके आएगा इसलिए हमको अच्छा लग रहा है, वो मेरी जाति के कारण प्रभावित नहीं हो रहे थे, मेरे काम के कारण मेरी बात के कारण प्रभावित हो रहे थे, जो मैं पिछले 5-7-10 साल से कह रहा हूँ, ये नहीं मैं अचानक आज कहीं से उठ के आ गया चुनाव लड़ने के लिए, पिछले 10 सालों से मैं अपनी बातों को लोगों के सामने रख रहा हूँ और 2-3 साल से तो गांव गांव का बच्चा बच्चा मुझे जानता है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस जनता का राज चाहिए मुझे, इनका राज चाहिए, इनका फोन चलना चाहिए, इनका फोन क्यों नहीं चल रहा है, फोन चलना चाहिए, फोन चलाऊंगा, आप सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ रहे, समर्थन साथ रहे, आज आप आए मेरे साथ में और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 23 तारीख तक जब तक प्रचार चलेगा प्रचार में कोई कमी नहीं रहने दूंगा, दमदार तरीके से प्रचार करेंगे और खिमसर विधानसभा के चुनाव को इतने ज्यादा वोटों से जीतेंगे कि अलग तरीके की कहानी बन जाएगी। राम राम साहब, धन्यवाद।